अगले हफ्ते मोदी सरकार की तीसरी पारी का पहला बजट पेश होने जा रहा है। चुनाव के ठीक बाद इस बजट में फिस्कल प्रूडेंस के साथ सोशल स्कीम्स पर फोकस रहने वाला है। पिछले 10 सालों में अगर आपको याद होगा, सरकार की आत्मनिर्भर भारत और देश को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की पॉलिसीज काफी मजबूत होने की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है, ये इंडिकेशंस मिल रहे हैं। इस सब के बीच देश की स्टार्टअप क्रांति, जिसके मुरीद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, इस क्रांति को और जोर दिया जा सकता है। इनफैक्ट भारतीय स्टार्टअप्स के साथ काम करने वाले डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड यानी कि DPIIT ने फाइनेंस मिनिस्ट्री को भेजे अपने सुझावों में स्टार्टअप्स पर लगने वाले एंजल टैक्स को खारिज करने की वकालत खुद की है। तो आखिर देश का स्टार्टअप इकोसिस्टम इस बजट से क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, क्या उम्मीदें लगाए बैठा है, इसी पर आज हम बात करेंगे। आप सभी का स्वागत है, आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर। मैं हूं हर्षदा सावंत और आज की इस चर्चा में मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ रही हैं उस्तारा एडवाइजर्स की वसुधा माधवन, इंडियन एंजल नेटवर्क की पद्मजा रूपा रैल और सोलर स्क्वायर, जो एक काफी इंटरेस्टिंग रेजिडेंशियल सोलर प्रोडक्ट कंपनी है, श्रेया मिश्रा उस कंपनी की फाउंडर है। आप तीनों का ही स्वागत है और मुझे अच्छा लगा कि हम सब महिलाएं मिलकर बात कर रही हैं कि क्या निकल कर आएगा इस बजट में। पद्मजा, मैं शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगी क्योंकि एक बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड है इकोसिस्टम की, VCs की, निवेशकों की और कुछ स्टार्टअप फाउंडर्स की भी, कि कई दफ़ा आप बहुत बड़ी कई सालों से एक पैरिटी बनाई हुई है लिस्टेड सिक्योरिटीज़ और अनलिस्टेड सिक्योरिटीज़। और मैं इस मुद्दे पर इसीलिए सबसे पहले आ रही हूँ क्योंकि कई अनलिस्टेड कंपनियां अब लिस्टेड की तरफ बढ़ रही हैं तो मार्केट वैसे भी गर्म है। क्या आपको लग रहा है कि अब की बारी वो जो डिफरेंस है टैक्स ट्रीटमेंट का ख़त्म हो सकता है? आप देखते हैं कि पब्लिक मार्केट्स आज के दिन में काफ़ी एक्टिव रहा है, काफ़ी प्रॉफिटेबल रहा है इन्वेस्टर्स के लिए, पर ज़्यादातर आप एक लेवल नीचे जाइएगा, थोड़ा डिक करिएगा, तो काफ़ी कंपनीज में आपको 60-65% ऑफ द कंपनीज जो लिस्टेड है आज के दिन में या लिस्ट हो रही है उसमें अनलिस्टेड थे, तब इन्वेस्टमेंट्स VC और प्राइवेट इक्विटी से आया था। तो यदि हमें पब्लिक मार्केट्स को ग्रो करना है तो अनलिस्टेड स्पेस, अनलिस्टेड कंपनीज में इन्वेस्टमेंट इनकरेज करना पड़ेगा, तभी हमारा पाइपलाइन फॉर लिस्टेड बनेगा, नंबर वन। नंबर टू ये है कि जब हम अनलिस्टेड में इन्वेस्ट करते हैं, यंगर कंपनीज होती है, छोटी कंपनीज होती है लिस्टेड के कंपैरिजन में, तो वहाँ हमारा रिस्क एज एन इन्वेस्टर, एज एन एंटरप्रेन्योर ज़्यादा होता है। तो ये थोड़ा सा लॉजिक के खिलाफ है कि हम रिस्क ज़्यादा ले और टैक्स ज़्यादा पे करें। तो मेरे ख्याल से हम फ्रॉम IVCA, इंडियन वेंचर कैपिटल एसोसिएशन से, ये नहीं चाहते हैं कि अनलिस्टेड स्पेस को, जहाँ पे रिस्क ज़्यादा है, उसको कोई बेनिफिट मिले ज़्यादा लिस्टेड से। हम यही कह रहे हैं कि पैरिटी दे दे, इक्वल कर दे। एक और चीज़ जो हमने देखा है पिछले कुछ सालों में उभर कर आई है, स्पेशली पिछले 1.5 साल में, जहाँ पर लगातार बात हो रही थी कि इस देश में एक फंडिंग विंटर है, लेकिन इस फंडिंग विंटर या फिर ग्लोबली एक फंडिंग विंटर बड़े पैमाने पर इस हमने नहीं देखा है फंड्स जुटाए हैं। भारत में डोमेस्टिक फंड्स की भागीदारी अच्छी खासी बढ़ी है, तो जाहिर तौर पर डोमेस्टिक फंड्स के हाथ पैसा लग रहा है, लेकिन इस डोमेस्टिक कैपिटल को और कैसे एक्सेसिबल बनाया जाए ताकि श्रेया जैसी कंपनियों को आसानी से भारत में बैठे बैठे ज़्यादा पैसा मिले और उनको ज़्यादा दूसरे विदेशी VCs के चक्कर ना काटने पड़े। आप इनफैक्ट, आपकी कंपनी वसुधा उस तरह इनफैक्ट EV सेक्टर पर फोकस करती है, आप इनफैक्ट एक ब्रिज है यू नो इन्वेस्टर्स और स्टार्टअप्स के बीच। ये बताइए कितने डोमेस्टिक प्लेयर्स आप लोगों के साथ एंगेज करते हैं, वो कितने क्यूरियस हैं इस समय पैसा लगाने के लिए, क्योंकि अभी भी जो भी पैसा आया $135 बिलियन उसमें 85% जो भारतीय स्टार्टअप्स में लगा है वो लार्जली VC बाहर का पैसा है, डोमेस्टिक पार्टिसिपेशन कम रहा है, इसे बढ़ाने को लेकर क्या जरूरी है? नो एब्सोल्युटली, क्योंकि अभी तो ये बहुत बड़ा और इमर्जिंग सेक्टर है, जो पूरा क्लाइमेट टेक सेक्टर है उसमें से अपवर्ड 50% से ज़्यादा EVs और EV रिलेटेड कंपनीज में आया है इन द लास्ट 3 ईयर्स, तो ये एक बहुत बड़ा स्पेस है। और इसमें जो हमने देखा है, हम बहुत सारे ग्लोबल इन्वेस्टर से बात करते हैं जो इस सेक्टर में इंटरेस्टेड हैं, 2 मिलियन से लेके हंड्रेड्स ऑफ मिलियन तक डालने के लिए इंटरेस्टेड हैं,
और इंडिया में बहुत सारे VCs हैं या PE funds हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हैं यहाँ पे, ऑलरेडी उनको एक्सपीरियंस है, कंपनीज का नेटवर्क है, उनको यहाँ का नेटवर्क और यहाँ का एक यहाँ का जो सिचुएशन है उनको अच्छे से मालूम है और इनकी कंपनीज का ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री भी उनको मालूम है। तो हमें चाहिए कि ऐसे फंड्स जो लोकल हैं वो पहले सपोर्ट करें और उनके साथ में ग्लोबल इन्वेस्टर्स को बहुत कंफर्ट मिलता है कि साथ में वो को पार्टिसिपेट करके फंडिंग राउंड्स में आए। और इसके लिए आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हम एक टैक्स रेजीम स्टेबल बनाएं और इम्पॉर्टेंटली स्पेसिफिक टू ईवीज कि हम पॉलिसी रेजीम स्टेबल बनाएं। तो अगर मंथ टू मंथ शॉर्ट टर्म अगर चेंजेस होते हैं तो उससे बहुत नर्वसनेस बढ़ जाती है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि जो पॉलिसी, जो काफ़ी सारे रिलेटेड पॉलिसीज़ हैं ईवी इकोसिस्टम के दौर से, तो आई थिंक वो सारे स्टेबल होने चाहिए और प्रेडिक्टेबल होने चाहिए और 3 to 5 year टाइम फ्रेम के लिए उनको कुछ चेंज नहीं करना चाहिए। पद्मजा, कमिंग टू यू, ये डोमेस्टिक कैपिटल का पूल बढ़ाने के लिए आई रिमेम्बर 2-3 साल पहले इनफैक्ट IVCA के इवेंट में ही ये रेकमेंड किया गया था कि पेंशन फंड्स को बढ़ावा देना चाहिए। डू यू सी दैट मनी फ्लोइंग? क्या आपको लग रहा है इस बारी एक्स्ट्रा पुश की जरूरत है? मेरे ख्याल से बिकॉज फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स बहुत बड़ा सक्सेस रहा है, 10,000 rupees has created, 50,000 rupees के ऊपर फंडिंग कैटलाइज किया हुआ है जी। तो यदि हम वही मॉडल लेके हम गवर्नमेंट एक बड़ा फंड डीप टेक के लिए, ईवी के लिए, एग्री के लिए, कोई भी थीमेटिक फंड्स बनाए और उसमें पेंशन फंड्स इंश्योरेंस कंपनीज को यदि इन्वेस्ट करवाए तो मेरे ख्याल से वो पूल ऑफ मनी अनलॉक हो सकता है फॉर 2 reasons। वो स्टार्टअप्स को जाएगा थ्रू द फंड ऑफ फंड्स मैकेनिज्म। सेकंड, पेंशन फंड्स इंश्योरेंस फंड्स को रिस्क लेने की थोड़ा सा वो हिचकिचाते हैं तो जब फंड ऑफ फंड्स मैकेनिज्म अंडर द गवर्नमेंट अम्ब्रेला आएगा तो मेरे ख्याल से दैट विल बी मच इजियर फॉर देम। सो हमारा भी यही उनका सुझाव है कि आप वो पैसा पेंशन फंड्स इंश्योरेंस फंड्स डायरेक्टली फंड्स में नहीं डाल रहे तो उसको आप अनलॉक करिए, फंड ऑफ फंड्स में डलवाइए, उस तरह से गवर्नमेंट का ट्रेजरी का मनी भी थोड़ा कम यूज होगा और ये अनलॉक हो जाएगा। आई मीन कोई भी रूट से वो पैसा सम फ्रैक्शन ऑफ इट, सम स्मॉल परसेंटेज स्टार्टअप्स में जाए तो मेरे ख्याल से वो एक बहुत बड़ा पुश होगा टू कम। सेकेंड, आप US में जाइए तो US यूनिवर्सिटी एंडाउमेंट फंड्स काफी एक्टिव है इन्वेस्टिंग में। हमें यहाँ पे हमारी यूनिवर्सिटीज को अलाउ नहीं करते इस फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए तो मेरा सुझाव IVCA की तरफ से भी कि इनक्यूबेटर के थ्रू अलाउ करते हैं बट जो ज्यादा पैसा है जहाँ पे यूनिवर्सिटीज ट्रस्ट्स कर सकती हैं तो वो अलाउ करते तो लेट द यूनिवर्सिटी ट्रस्ट टेक दैट डिसीजन बट इनेबल तो करें। इनफैक्ट श्रेया, मैं यहाँ पर आपको जोड़ना चाहूंगी क्योंकि आपकी कंपनी ने दोनों इंटरनेशनल VC और साथ ही साथ कई सारे भारतीय VC से रेस किया है। अगर भारतीय कैपिटल आसानी से आप लोगों को एक्सेसिबल है, हाउ मच ऑफ अ डिफरेंस डज इट मेक फॉर अ यू नो फॉर अ यंग कंपनी लाइक योर्स? बिल्कुल, आई थिंक जब कंपनीज कैपिटल रेस करती है हर्षदा, देयर आर 2 aspects उसमें। एक है कैपिटल कि हमें कहाँ से जितना हमें अमाउंट रेस करना है, कौन वो बड़े इन्वेस्टर्स है जो हमें उतना अमाउंट दे सकते हैं, बट उसका सेकंड एस्पेक्ट ये भी है कि इन्वेस्टर क्या गाइडेंस, एडवाइजरी और एक्सपीरियंस लेके आपके बोर्ड को या आपके आपके इन्वेस्टर पूल को ज्वाइन करते हैं। तो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के साथ कैपिटल भी ज्यादा है, उनको एक्सपीरियंस भी ज्यादा है और एक्सपर्टीज भी ज्यादा लेकर आते हैं वो। हाउएवर अगर हम इंडियन एंटरप्रेन्योर्स की बात करें, टुडे हर जगह एक मेड इन इंडिया का एक प्राइड है, एक इंडियननेस का एक प्राइड है जो 10 decades पहले हम इम्पोर्टेड और इंटरनेशनल चीजों से खुश होते थे। आज की डेट में एवरीबडी वॉन्ट्स टू फील मोर, गिव मोर बिजनेस टू इंडिया, हैव मोर इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया। तो डेफिनेटली अगर इंडिया में वो बड़े पूल्स ऑफ कैपिटल अवेलेबल होंगे तो आई डू बिलीव कि बहुत और ज्यादा बिजनेसेस जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स नहीं समझ पाते, जो बड़े टिपिकल टू इंडिया है, उन बिजनेसेस में भी इन्वेस्टमेंट मिलेगा। एंड जैसा कि मेरे पहले दोनों स्पीकर्स ने ही कहा कि फॉरेन में बैठे इन्वेस्टर के लिए इंडिया का मार्केट, इंडिया के कंज्यूमर के डिफरेंसेस समझ में आ पाना काफी मुश्किल है। तो इंडियन इन्वेस्टर्स होंगे जो इंडियन मार्केट को और कंज्यूमर को समझेंगे तो डेफिनेटली और बहुत ज्यादा
बिजनेसेस के लिए, बहुत ज्यादा स्टार्टअप्स के लिए कैपिटल अवेलेबल होगी. आज जैसे अगर हम देखें तो कैपिटल लार्जली अवेलेबल है बैंगलोर, बॉम्बे, दिल्ली के स्टार्टअप्स के लिए. जी हाँ. टीयर टू इंडिया में भी बिजनेसेस हैं एंड उनके उनकी उनकी सिचुएशंस बहुत अलग है, लेकिन उनके कस्टमर सेगमेंट्स बहुत अलग है. जैसे इंडिया में ही हम कहते हैं कि भारत 1 2 3, इंडिया में ही 3 सेगमेंट्स है भारत के. तो ये समझना एक इंडियन इन्वेस्टर के लिए ज्यादा पॉसिबल है. और अब जो फैमिली ऑफिसेज आ रहे हैं, जितने भी हम लार्ज कॉर्पोरेट ऑफिसेज देखे, इनफैक्ट जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स भी हैं, जो बड़े बड़े यू नो अब पब्लिक लिस्टेड बड़े यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स के जो फाउंडर्स हैं, उन्होंने भी अपने काफी अच्छे फैमिली ऑफिसेज खोले हुए हैं और वहां से काफी रेलिवेंट कैपिटल आ रही है विद गुड एडवाइस, बिकॉज ये एंटरप्रेन्योर्स ने बिजनेसेस बनाए हैं. इस चर्चा में वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन एक और बहुत बड़ा मुद्दा है एंजल टैक्स का, उस पर भी बातचीत होगी ब्रेक के बाद. आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज और आज हम बात कर रहे हैं कि बजट से स्टार्टअप इकोसिस्टम की क्या मांगे हैं. मेरे साथ है ओस्तारा एडवाइजर्स की वसुधा महादेवन, साथ ही साथ इंडियन एंजल नेटवर्क की पद्मजा रूपा रैल और सोलर स्क्वायर की को फाउंडर श्रेया मिश्रा. एक चीज आपने नोटिस की होगी और आप लोग शायद ये ज्यादा बेहतर जानते हैं कि डीप टेक, क्लीन टेक हो, स्पेस टेक हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो, सोलर हो, मोबिलिटी हो, ये सारी कुछ थीम्स हैं जो पिछले 5 सालों में आइडेंटिफाई हुई और वहां पर अच्छा खासा थ्रस्ट देखने को मिला है. लेकिन कमिंग टू ईवीज, यू नो जितना काम किया वो काफी कम दिखाई देता है, दिस अ लॉन्ग वे अहेड. वसुधा, आपके लिहाज से इस सेक्टर में काम कर रही कंपनियां, स्टार्टअप्स स्पेशली, क्या सुनना चाहती है, क्या देखना चाहती है? क्योंकि एक स्कीम आई थी स्पेसिफिकली ईवीज के लिए, माना जा रहा था कि उसका थर्ड फॉर्म नहीं देखने को मिलेगा, कि जो हमने करना था सरकार ने कहा हो गया है, कि क्या उसकी जरूरत है? इज कंटिन्यूटी इंपॉर्टेंट? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. इनफैक्ट सारे कंपनीज इस सेक्टर की यही एक सबसे बड़ी मांग होगी मेरे हिसाब से, कि फेम 3 को कंटिन्यू किया जाए और बड़ा किया जाए और स्ट्रॉन्ग किया जाए और प्रेडिक्टेबली लॉन्ग एक मीडियम टर्म ड्यूरेशन किया जाए. मैं रीजंस बताती हूँ इसके लिए. इसमें अगर आप देखें तो हमारे देश में हमने इलेक्ट्रिफिकेशन इज अ हमारे लिए जो नेट जीरो की हमारी जर्नी है एज अ कंट्री, इसमें ईवीज का एक की रोल बनता है. उसके साथ में एनर्जी को भी हमें नेट न्यूट्रल बनाना है, हमें रिन्यूएबल की तरफ जाना है. आई थिंक टोटल ऑटोमोटिव और एनर्जी का ये टोटल कॉम्बिनेशन होगा, उसके वजह से हम जल्दी से जल्दी नेट जीरो तक जा पाएंगे. जो ईवीज की जर्नी है वो चल पड़ी है, राइट? सो ईवीज की जर्नी में आज के डेट में क्या हो रहा है कि जो पर्सनल मोबिलिटी है, जो हम लो शॉर्ट कम्यूट्स के लिए जो हम स्कूटर्स खरीदते हैं, उसमें बहुत हाई परसेंटेज तक अभी उसमें ग्रोथ हो रही है. सो वाइल द परसेंटेजेस मे नॉट लुक वेरी लार्ज, बिकॉज हमारा जो एवरेज टू व्हीलर मार्केट है 15 to 17 million यूनिट्स हम एक साल में बेचते हैं, डिपेंडिंग ऑन अ गुड ग्रोथ ईयर. उसमें अभी स्मॉलर परसेंटेजेस हैं, लेकिन ग्रोथ अच्छी फास्ट हो रही है. उससे भी ज़्यादा जो थ्री व्हीलर्स और कमर्शियल व्हीकल्स हैं, उस सेक्टर में बहुत फास्ट ग्रोथ हो रही है. अडेप्टेबिलिटी तो है, लेकिन वो फेम 3 की जब बात हो रही थी कि सरकार शायद खरीदने वाले को सब्सिडी ना दे, आपको लग रहा है वो सब्सिडी की अभी भी जरूरत है ताकि वो अडॉप्शन बरकरार रहे और ग्रो करे? बिल्कुल. तो हमने सब्सिडी, हमारे सरकार ने बहुत अच्छे और टाइमली वे में सब्सिडी शुरू की थी जब ये चालू हुआ था फेम 1 स्कीम, और वन ऑफ द लीडिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड इनफैक्ट टू सपोर्ट द ईवी इंडस्ट्री एज वी डिड. अभी इसमें क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि बैटरी प्राइसेस हाई हैं और जब तक वो बिल्कुल हमारे मासेस के लिए अफोर्डेबल लेवल तक नहीं आ जाते और हमारी खुद की बैटरी प्रोडक्शन, सेल एंड बैटरी पैक प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज बढ़ नहीं जाती, हम ग्लोबल प्राइस हाइक्स और ग्लोबल प्राइस फ्लक्चुएशंस पे डिपेंडेंट हैं. तो इसलिए हमें चाहिए कि एक पॉलिसी सपोर्ट रहे जो बफर करे वो अप्स एंड डाउन्स को, और जो प्राइसेस हैं जो ईवीज की आज भी 1.5 से 2 टाइम्स ज़्यादा है रेगुलर व्हीकल से, तो उसको हमें थोड़ा सा यूज़र को सपोर्ट दें ताकि उनको खरीदने में या ईएमआई भी लेने में उनको थोड़ा सा कंफर्ट रहे. तो आई थिंक ये नेक्स्ट, जब तक कि वो अच्छा थोड़ा और अडॉप्शन बढ़ नहीं जाता, हमारे कंज्यूमर्स का प्रोफाइल ऐसा है कि उन्हें डिमांड सब्सिडी थोड़ी और देनी पड़ेगी और ये इलेक्ट्रिफिकेशन की जर्नी बरकरार रह सकती है उस जी. इनफैक्ट इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करें तो श्रेया को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर. श्रेया, इनफैक्ट रूफटॉप सोलर और ये भी एक बहुत ही क्लोज प्रोजेक्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, क्योंकि यू नो इस इलेक्शन के ठीक बाद ही उन्होंने अनाउंस किया कि सूर्योदय योजना, जहाँ पर 300 यूनिट्स फ्री इलेक्ट्रिसिटी 10 मिलियन हाउस होल्ड्स को और रूफटॉप इंस्टॉलेशंस की बात हुई. इस बिजनेस में आप काम कर रहे हैं,
ये पॉलिसी ऑन ग्राउंड कितनी इफेक्टिव है और इसको अगर एक नेशनल लेवल पर स्केल करना है किस तरह के सपोर्ट की जरूरत होगी? स्कीम का डिजाइन स्ट्रेटजी बहुत ही अच्छा है, जैसा आपने कहा हर्षदा, अब आती है बात इसके एग्जीक्यूशन की. Correct. तो जो ग्राउंड का जो एग्जीक्यूशन है वो अब बहुत ही क्रिटिकल होने वाला है. गवर्नमेंट का रोल अब हो गया है लेस गवर्नमेंट मोर गवर्नेंस, ये मेरा हमेशा बिलीव रहता है. तो अब इसका खाली एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट है ग्राउंड पे लास्ट माइल तक. अभी तक जो मैं देख रही हूँ हर्षदा, ऑलरेडी सोलर के अडॉप्शन में लगभग महीने के पिछले साल अगर हम देखें तो इंडिया में 10,000 घर सोलर जा रहे थे. ये नेशनल सोलर पोर्टल का ही डेटा है. प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अनाउंसमेंट के बाद करंटली इंडिया में 70-80% की ग्रोथ ऑलरेडी आ चुकी है. महीने के 17,000-18,000 घर पिछले 4 महीने से ऑलरेडी सोलर जा रहे हैं. तो लास्ट माइल तक इसका असर आना शुरू हो गया है और ये बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव है. जो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा अर्चना, इंडस्ट्री के लिए सोलर स्टार्टअप्स जैसे कि सोलर स्क्वायर मैन्युफैक्चरिंग, जो इतनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी लगेगी इंडिया में 1 करोड़ घरों को सोलर ले जाने के लिए. आई थिंक यहाँ पर अगेन जो मुझसे पहले भी कहा गया कि पॉलिसी की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इंडिया थोड़ा सा पॉलिसी फ्लिप फ्लॉप्स के लिए इनफेमस है. तो वाइल हमारे रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स में हमने बहुत अच्छे से प्रोग्रेस करी है इंडिया नंबर 9. ये इवेंचुअली जब आप लोग सोलर रूफटॉप्स बना रहे हैं, पहले हुआ करता था कि हम लार्जली ये सोलर पैनल्स चाइना से लाते थे, विदेशों से लाते थे. ये बताइए कि किस तरह का पॉलिसी एक्शन भारत में ही मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे सकता है ताकि आपके लिए भी जब आप किसी घर में सोलर रूफटॉप की तैयारी करते हैं या अपने पैनल्स लगाते हैं वो कॉस्ट कम हो. क्या भारत में प्रोडक्शन के लिए वो कदम लिए गए हैं या फिर लेने की जरूरत है, या फिर यहाँ पर बेसिक कस्टम ड्यूटी जो बाहर से माल आ रहा है उस पर कुछ एक्शन लिया जाए ताकि इधर फिर प्रोडक्शन में कुछ जोर मिले? जी बिल्कुल. तो यहाँ पे 2 तरीके से ओपिनियन है इंडस्ट्री में. कुछ लोगों का ये कहना होगा कि बेसिक कस्टम ड्यूटी जो इम्पोर्ट्स पे लगाई जा रही है उसे कम किया जाए ताकि इंडिया को जो करोड़ों घरों को सोलर लगाना है उसके लिए कहीं सप्लाई चेन में मैन्युफैक्चरिंग में हम कम ना पड़ जाए, क्योंकि इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी अभी उतनी नहीं है इस 1 करोड़ घर के टारगेट को पूरा करने के लिए. मेरा हाउएवर ये मानना है कि इम्पोर्ट्स पे रिलाय करके इंडिया के सोलर टारगेट्स को मीट करना बिल्कुल भी बहुत ही शॉर्ट टर्म थिंकिंग होगी. अगर हम लॉन्ग टर्म देखें तो किसी भी देश के लिए एनर्जी सिक्योरिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो सोलर पे हमें सेल्फ रिलायंट बनना जरूरी है, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करना जरूरी है. इन द लॉन्ग रन आई डू बिलीव कि अगर हम इसे प्रमोट करते रहेंगे तो इंडिया एक बहुत बड़ा ग्लोबल हब बनेगा सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग का. जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव दिए जा रहे हैं वो काफी अच्छे हैं और सही दिशा में है. कुछ लेकिन दूसरे चैलेंजेस हैं. इंडिया में सोलर बनाने के लिए सोलर के अंदर काफी कंपोनेंट्स हैं, सोलर ग्लास, सोलर वेफर, सोलर सेल, सोलर इन्वर्टर. तो इन सारी ही वैल्यू चेन में इंडिया में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव हमें देने पड़ेंगे ताकि इंडिया सिर्फ असेंबली ना करे सोलर की. पद्मजा, लेट मी ब्रिंग यू इन, क्योंकि आप हम सोलर की बात कर रहे हैं, ईवी सेक्टर में जो पहल हुई है उसकी बात हुई है, लेकिन आपने भी सुना है कि डीप टेक के लिए स्पेसिफिक फंड स्टार्टअप्स को जोर दिया जाएगा. ये पिछले बजट में था. आई हैव हर्ड स्पेस टेक का भी मेंशन इन द इंटरिम बजट. लेकिन क्या एक पैराडाइम शिफ्ट की जरूरत है जब इन सेक्टर्स की बात कर रहे हैं, बिकॉज दीज आर नॉट सेक्टर्स जो ओवरनाइट ग्रो हो सकते हैं. इट्स नॉट लाइक एन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म. डीप टेक में, सोलर में, ईवी में, स्पेस टेक में बहुत ज्यादा समय लगता है. क्या उतना समय और उतना कमिटमेंट देने के लिए फिर पॉलिसी में उस लिहाज से भी चेंज होना चाहिए या फिर सपोर्ट मिलना चाहिए? 2-3 चीज तो जरूर इम्पोर्टेंट है. जो आपका फंड ऑफ फंड्स जो गवर्नमेंट बात कर रही है, डीप टेक का हो, स्पेस टेक का हो, तो वहां पे लाइफ ऑफ द फंड, कितने सालों में वो इन्वेस्ट करेंगे दूसरे फंड्स में, वो लंबा होना चाहिए. एटलीस्ट 15-20 साल का हो, क्योंकि जो फंड्स को देंगे उनकी लाइफ, उनकी ड्यूरेशन भी ज्यादा लंबी होगी. तो वो 12 साल की होगी, तभी जाके वो फंड्स को वैल्यू मिलेगा और तभी जाके इट इज रियली पेशेंट कैपिटल डीप टेक के लिए. नंबर 1. नंबर 2, मेरे ख्याल से जो हमारा आज के दिन में स्टार्टअप डेफिनेशन है वो है कि स्टार्ट कंपनीज जो 10 साल फ्रॉम डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, उसको स्टार्टअप्स कहते हैं. जैसे ही 10 साल क्रॉस हुआ वो एक्चुअली स्टार्टअप्स नहीं रहते हैं. उनकी रेवेन्यू 100 करोड़ की हो, मेरे ख्याल से उसको भी चेंज करना पड़ेगा. और तीसरी चीज है इन्वेस्टमेंट अमाउंट.
तो जब हम स्टार्टअप्स होते हैं तो 10 साल का मेरे ख्याल से हम जो कह रहे हैं कि डीप टेक हो, स्पेस टेक हो, उनको 15 साल में जब तक उनको स्टार्टअप ले, बिकॉज उनको जेस्टेशन पीरियड लंबा होता है। दूसरी बात, जो एंजल फंड्स जो इसमें इन्वेस्ट करती हैं, जी उनका रिस्ट्रिक्शन है कि वो 10 करोड़ तक ही स्टार्टअप्स में डाल सकते हैं, उससे ज्यादा स्टार्टअप एंजल फंड से नहीं ले सकते। तो हमारा कहना है कि 1, 2, 3 करोड़, 10 करोड़, ये डीप टेक स्टार्ट्स में ज्यादा पैसा चाहिएगा, इतना कम से वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि वो इट कंज्यूम्स मोर। तो ये स्टार्टअप्स, डीप टेक के जो स्टार्टअप्स है, वो एंजल फंड से 50 करोड़ तक उनको लेने दे, ताकि वो तब भी सीड स्टेज अर्ली स्टेज ही रहेगा, क्योंकि इसमें बहुत खर्चा होता है, बहुत काम होता है। तीसरी चीज कि जैसे वो बढ़ते जाता है तो वो 100 करोड़ एक बार उनको B2B और मेजर कॉन्ट्रैक्ट्स मिल सकता है, और भारत इज गवर्नमेंट इज फोकस्ड कि भारत से एक्सपोर्ट्स हो, डिफेंस में हो, स्पेस टेक में हो, तो बड़े ऑर्डर्स आना हो तो 100 करोड़ का जो रेवेन्यू का लिमिट है उसको 250 करोड़ का हम चाहते हैं कि वो रेकमेंड करे, हम लोग वो रेकमेंड कर रहे हैं और गवर्नमेंट उसकी उसको ध्यान। पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर का डेट ओपन अप हो, तो इनके पास कोलैटरल्स नहीं होते हैं, ये बात सही है, बट ऐसा स्कीम्स शुरू करें, और जो शुरू हो चुके हैं, इट हैज स्टार्टेड टू एक्चुअली गिव मनी, TDB है, एग्जिम है, सिडबी है, SRI है, ये सब डेट देना शुरू करें, बट दिस इसको इसको बढ़ावा दे। और जो बैंक्स वगैरह को गारंटी स्कीम है, वो जो गवर्नमेंट का CGT SME का स्कीम है, उस पॉट को बड़ा करे उसको, ताकि बैंक्स देने में हिचकिचाए नहीं और वहां से उनको बैकअप इंश्योरेंस का मिल जाए, क्योंकि जी स्टार्टअप्स में फेलियर होगा, डेट वापस नहीं दे पाएंगे, ये जरूर है, नॉट ऑल, कुछ नहीं दे पाएंगे, तो बैंक्स NPA नहीं लेना चाहती है, तो उनको बैक बिहाइंड में CGT SME का पॉट यदि बढ़ा दे, तो उनका जो NPA है उसके सामने उनको गवर्नमेंट से इंश्योरेंस मिल जाए, विच विल बी अ बिग बिग बूस्ट टू ऑल ऑफ दीज डीप टेक, स्पेस टेक, करेक्ट क्योंकि उनको वर्किंग कैपिटल के लिए, उनको इक्विपमेंट के लिए वगैरह के लिए डेट इज गुड, और वहां पे उनको फिर बेमतलब का एक्विटी नहीं डाइल्यूट करना पड़ेगा। श्रेया, कमिंग टू यू वेरी क्विकली, एक बड़ी चीज जो आपको लग रहा है सोलर इंडस्ट्री के लिए या फिर जनरली पर से स्टार्टअप्स के लिए जो आप इस बारी वित्त मंत्री से सुनना चाहती हैं? जी बिल्कुल, आई थिंक एंजल टैक्स ही सबसे बड़ा पूरी स्टार्टअप इंडस्ट्री का वॉइस है, पद्मजा, यू आर द एंड यू वेटरन हियर, विल इट बी डन, एंजल टैक्स? सो यू नो आई डोंट सी व्हाई इट कांट बी डन, इट्स एज सिंपल एज दैट। यू नो द होल पॉइंट ऑफ क्रिएटिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टार्टअप, डिफाइनिंग अ कंपनी एज अ स्टार्टअप, वाज सो दैट इट डज नॉट गेट इंपैक्टेड बाय एंजल टैक्स, इट वाज टू गिव इट दैट फेंसिंग सो दैट इट डजंट गेट क्वेश्चन्ड ऑन वैल्यूएशन, नंबर वन। नंबर टू, एंजल टैक्स इज ऑन 5627B ऑफ द CBDT ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, जी हाँ, राइट, एंड देयर इज अ क्लॉज देयर दैट इन्वेस्टमेंट्स रेज्ड फ्रॉम सेबी रजिस्टर्ड फंड्स विल बी एग्जेम्प्ट ऑन दीज क्वेश्चंस। हेंस टू थिंग्स हैपेंड, एंजल फंड गॉट क्रिएटेड व्हिच इज सेबी रजिस्टर्ड, और हमारी VC फंडेड जो कंपनीज है उनका फिर जो इन्वेस्टमेंट है और वैल्यूएशन है वो स्टार्टअप्स एग्जेम्प्टेड है। तो यदि हम वापस चले जाएं बेसिक्स में कि CBDT अलाउ करता है और स्टार्टअप डेफिनेशन का ऑब्जेक्टिव यही है, तो मेरे ख्याल से एंजल टैक्स लग ही क्यों रहा है, दैट इज द क्वेश्चन, नंबर वन। दूसरा बात, ओवरसीज इन्वेस्टर CBDT के रूल में 5627B में एग्जेम्प्ट है, तो हमारे लिस्ट में आज 21 21 कंट्री को एग्जेम्प्ट किया है कि वहां से पैसा आएगा तो एंजल टैक्स नहीं नहीं लगेगा। लगेगा। प्रॉब्लम ये है कि 3 कंट्रीज जो उस लिस्ट में नहीं है वहां से 50% पैसा आ रहा है VCPE इंडस्ट्री, वो है आपका सिंगापुर, मॉरिशियस और नेदरलैंड्स। तो हमारी ये उम्मीद तो जरूर रहेगी कि बाकी का जब तक सॉल्व हो ये 3 कंट्रीज को एटलीस्ट इंक्लूड करे, क्योंकि VCPE इंडस्ट्री में 85% ओवरसीज से आ रहा है, और जितना ओवरसीज से आ रहा है उतना 50% इस 3 कंट्रीज से आ रहा है, तो एक्चुअली हमारा FDI, हमारा रिसोर्स पूल कम हो गया है, तो ये एंजल टैक्स का एक बहुत बड़ा मुद्दा है।
और दूसरा बड़ा मुद्दा है एक्चुअली स्टार्टअप्स के लिए जी हाँ कि ईसॉप का जो टैक्सेशन है वो सेल पे होना चाहिए, नॉट ऑन एक्सरसाइज। जब ईसॉप होल्डर के हाथ में वो अपने शेयर्स बेचे, उनके हाथ में पैसे आए, उस पर आप टैक्स लीजिए। जब वो एक्सरसाइज करते हैं तब उसके पास कोई पैसा नहीं आता, वो अपने पॉकेट से टैक्स देता है। तो मेरे ख्याल से ये दो मुद्दे बहुत बड़े रिसोर्सफुल जो स्टार्टअप्स हैं बोलते हैं, फंडिंग और टैलेंट, जो दो मेजर रिसोर्स पूल्स है उसमें ये सोल्यूशन कर दे ये बजट, तो आई वुड बी वन ऑफ द हैप्पीएस्ट पर्सन। इनफैक्ट बहुत लॉन्ग लिस्ट ऑफ मांगे हैं, लेकिन जो बेसिक मांगे हैं अज्यूमिंग उस पर अगर फोकस किया जाए और दो तीन चीजें हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। एक बड़ा आस्क अगर आपका होगा, इफ द एफएम इज लिसनिंग टू दिस कॉन्वर्सेशन, वसुधा आप क्या कहना चाहेंगी उनको? आई वुड से दैट हमें ओवरऑल जो हम नेट जीरो की तरफ जा रहे हैं उसके लिए जो भी पॉलिसीज हैं, जीएसटी रेट्स को नॉर्मलाइज करना, जो कि उसमें कुछ इनइक्वालिटीज़ हैं, जितने पे खरीदते हो वो ज़्यादा आप देख देते हो, एंड देर आर दैट एग्जिस्ट इन सेवरल सब सेक्टर्स ऑफ दिस ओवरऑल थिंग। सो आई थिंक द जीएसटी रेजीम शुड बी लुक्ड एट इन अ मोर केयरफुल वे। वो एक है, डेफिनेटली डिमांड सब्सिडीज थोड़े और टाइम के लिए, और प्रोडक्शन लिंक्ड एब्सोल्युटली, क्योंकि जब हम बैटरीज बनाने वाले हैं या अर्बन माइनिंग कर रहे हैं, जो हम रिसाइकलिंग कर रहे हैं, उससे भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे कंट्री के अंदर जो बैटरीज बिक रही हैं उसको हम वापस रिसाइकल करके वो हम अपनी सप्लाई चेन में लोकली यूज़ करें। तो ये सब के लिए पॉलिसीज को, उसमें भी जीएसटी के डिफरेंसेज हैं। आप 18% पे जब खरीदते हो तो 18% देते हो, जब आप बेचते हो तो 5% देते हो। सो आई थिंक दोज आर ऑल यू नो इनइक्वालिटीज दैट एग्जिस्ट, इनकन्सिस्टेंसीज दैट एग्जिस्ट, जिसको कि हमें नॉर्मलाइज करना है। हमें डेफिनेटली सेल मैन्युफैक्चरिंग और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग और इवन सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग, ऑल ऑफ दीज एरियाज, हमें पीएलआई स्कीम को ज़्यादा स्ट्रांग और ज़्यादा अच्छे से इम्प्लीमेंट करना है, ताकि उसकी उसकी बेनिफिट्स भी लोग लें और वो इन्वेस्टमेंट्स भी कंट्री में आए, जो कंपनीज हैं वो सब करें। दैट वुड बी द बिगेस्ट लॉन्ग लिस्ट ऑफ डिमांड्स, लेकिन मैं उम्मीद कर रही हूँ कि इनमें से कुछ तो ऑफ कोर्स इस बजट में अमल में आएंगी, और अब नहीं तो आगे वो पॉलिसी एक्शन के तौर पर देखने को मिलेंगे ज़रूर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे लिए समय निकालकर इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इसी के साथ आवाज़ एंटरप्रेन्योर में हम भी आपसे लेंगे इजाज़त। आप बने रहेगा, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा सीबीसी आवाज़ के साथ। नमस्कार।